हेलो फ्रेंड्स I am Chahat एंड I वेलकम यू बैक टू our चैनल सो so today वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी दैट इज द बेगर सो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी लेट्स गेट टू द इंट्रोडक्शन द बेगर इज द स्टोरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बेगर into a अ गुड पर्सन तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बेगर मतलब एक भिखारी कैसे ट्रांसफॉर्म कर हो जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है बिहेेवियर ऑफ अ वन मेड हिम लीव एल्कोहल एंड लीड अ गुड लाइफ और किसकी वजह से होता है, है जो इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करती है सो लेट्स बिगिन द बेगर इज दी ऑफ अ बेगर मतलब की एक बार वो कहीं भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते किसी एडवोकेट से मिला ट तो था उसने क्या बोला कि तुम मेरे घर पर आओ और एक लकड़िया वो काटनी है तुम वो काट उसके घर गया और वो उस एडवोकेट ने अपने कुक को बोला इसको जाकर एक शेड दिखा दो तो जहाँ पर उसे काम करना है लकड़ियाँ काटनी है द बेगर वॉज टू वीक एंड वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल जो बेगर था जो हमारा लुशक था काफ़ी ज़्यादा वीक था और उसने एल्कोहल को ज़्यादा ही ले ली इंटेक कर ली थी तो काफ़ी ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में था ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन एस फेट और उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था स्टिल द कुक ओलगा टोल सरगे दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड तो क्या होता है तब भी वो जो कुक थी ओलगा वो बता देती है सरगे की जो लकड़ी है वो काट दी गई है सरगे वॉज डिक्लेर ड मैन वर्ड एंड पेड इन फिफ्टी कॉपिक फॉर चॉपिंग द वुड तो वो जो एडवोकेट है वो बहुत खुश हो जाता है कि जिस आदमी को मैं लेकर आया हूँ बैगर को उसने लकड़ियाँ काट दी बट एक्चुअल में जो लकड़ियाँ होती हैं वो उस बैगर ने नहीं काटी होती He asked him to come on the first day of every month for it. तो वो क्या बोलता है? हर महीने को तुम मेरे घर आ जाना और लकड़ियाँ काट देना बाकी छोटा मोटा काम कर देना Sometimes he asked him to shovel the snow, or to set the wood in the shed, or to dust the rugs. और कई बार उसे क्या बोलता है जो स्नो इकट्ठी हो गई है उसे हटा दो या छोटा मोटा और भी काम

द बेगर हैड चेंज एज ही वॉज सोबर दैट डे और तब तक जो बेगर था वो काफ़ी चेंज हो गया था उस दिन तो वो एल्कोहल के इन्फ्लुंस में था पर एकदम सोबर था इस बार एंड सर गफाइड दैट इज एफर्ट है ड्रंक कार्ड और जब वो उसने देखा कि जो बैगर है एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो एडवोकेट को बहुत खुशी हुई कि जो एक आदमी था हमेशा एल्कोहल कंज्यूम करता रहता था वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है को राइट सर्गे आस्ट तो जैसे कि वो लिख सकता था और पढ़ भी सकता था तो स्वर्गे ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है ऑफर्ड इम बेटर वर्क एंड शुक हैंड्स विद इस बार उसे पहले से कुछ बेहतर काम दिया और हाथ भी मिलाया आफ्टर दैट डे लुश्क ऑफ द नेवर सीन लेकिन उस दिन के बाद जो बेगर था हमारा कहीं दिखाई ही नहीं दिया लश्फ वॉज नाउ वर्किंग एसारी काम कर रहा था पेट उसने उस एडवोकेट को थैंक यू बोला कि तुमने मुझे इतनी मदद करी फॉर इंडनेस लुश्कॉफ टोल सर गे दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर कुक ओलगा दैट ही चेंज मैन तो उसे बताता है कि

तो उसने बोला कि जो ओल्गा का बिहेवियर था उसकी तरफ एकदम काइंड सिंपेटिक वाला उसने मुझे एकदम चेंज कर दिया ये बोलते ही वो थिएटर की ओर चला गया सो दिस वॉज द स्टोरी नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेगर बाय चांसेस और बाय चॉइस मतलब कि जो लुश्क ऑफ है वो भिखारी क्यों बना उसको मजबूर किया गया या खुद जानबूझकर बना जो लश्कॉफ था बिकेम अ बैगर ड्यू टू हिस्स सर्कमस्टांसिस अपनी सिचुएशन अपनी सर्कमस्टांसिस की वजह से वो बैगर उसे भिखारी बनना पड़ा ही हैड बीन सिंगर इन द कॉयर बट वॉज रिमूव्ड ड्यू टू हिस ड्रंकनेस उसने बोला है वो एक सिंगर था पर अपनी जो एल्कोहल लेने की आदत अपनी जो ड्रिंकिंग की आदत है उस वजह से उसे रिमूव कर दिया गया वहाँ से लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था स्टार्टेड बेगिंग टू फेंड फॉर हिमसेल्फ और अपना पेट भरने के लिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया वट रीजन डी गेव टू सर गे फॉर टेलिंग लाइज और क्या रीजन देता है झूठ बोलने का वो वो बोलता है दैट ही ही फायर्ड बिकॉज अ कि वो एक ड्रंक कार्ड था उसे शराब, लेने, शराब पीने की कुछ ज्यादा ही बुरी लत लग, लग चुकी थी इफ ही टोल्ड द दूथ अगर वो सच बता देता पीपल वुड नॉट गिव हिम आर्म्स उसने बोला अगर वो सच बता देता तो लोग उसे जो छोटा मोटा कुछ खाने पीने के लिए या पैसे वगैरह दे देते ना वो भी ना देते ही वॉज फोर्स टू लाइफ अ विलिंग वर्कर क्या लुश अपनी अपनी मर्जी से काम करना चाहता है है तो वो क्यों सर्गे के लिए लकड़ी काटने का काम भी अपना लेता मन नहीं था कुछ काम करने को बिकॉज नॉट फिट उसे लगता था कि मैं फिट नहीं कि वो इतना करता था उसे चलना भी नहीं जाता था ढंग सेंगर दुएंस ऑफ एल्कोहल वो इतना ज्यादा भूखा था इतनी ठंड में था और एल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर था

वे सरगे मेट लश्क फॉर द फर्स्ट टाइम जो सर, हमारा एडवोकेट है बेगर से पहली बार मिला कि वो इज टू वर्क तो वो काम करने का कुछ ज्यादा इच्छुक नहीं था ग्रेजुअली ही टुक टू वर्क एंड रिफॉर्मड लेकिन जब टाइम भी था उसने काम करना शुरू किया तो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो गया था तो उसकी लाइफ चेंज हो गई थी सरगे फेल्ड इज वर्ड्स एंड डीड्स हट चेंज द लश्क ऑफ सर गैट इज वर्ड्स एंड डीड्स हट चेंज लश्क उसको लगता था कि मेरे शब्दों की वजह से जो लश्क है एकदम चेंज हो गया ही इज राइट इन से बोलने में ठीक है बिकॉज इफ यू हैड नॉट ऑफर्ड एम वर्क अगर उसे काम देता ही ना तो जो लश्क ऑफ है वो अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रीट uh, में बेक कर रहा होता लश्कॉफ इज अर्निंग थर्टी फाइव रूब हाउ इज यू अब्लाइज टू सर्गीव फॉर दिस

She would cry to see his pathetic condition. Sometimes she would pathetic condition. All this had an effect on Lashkov and changed him. And in the a very effect on change changed. So these were the question answers of the chapter The Beggar. We will meet you in the next video with the next chapter.